हेलो नीट कैंडिडेट्स, हरियाणा स्टेट ने आयुष कोर्सेज के लिए सेकेंड राउंड का शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन होगी। ये ओपन होगी 28 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर, अप टू 5 PM तक आप लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इन्हीं डेट में आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है, जो कि ऑनलाइन ही होगी। इसके लिए जो वेब पोर्टल है वो दिया गया है skau.onlinecounseling.co.in पर जाकर आप लोग रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों कर सकते हैं। इसके लिए डेट सेम है, 28 सितंबर टू 2 अक्टूबर। फिर उसके बाद PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स को PGIMS रोहतक जाना है बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए 30 सितंबर को। उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो 3 अक्टूबर को आ जाएगा। अगर उस रिज़ल्ट में किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो अपना ऑब्जेक्शन सबमिट करा सकता है 4 अक्टूबर अप टू 2 PM तक। इसके बाद एक फाइनल प्रोविजनल लिस्ट आएगी, जिन जिन कैंडिडेट्स को सीट अलाट हुई होगी वो आएगी 5 अक्टूबर को। फिर जिन कैंडिडेट्स को सीट अलाट हुई है उन्हें एक ट्यूशन फ़ी ऑनलाइन पे करनी होगी, जो कि आप यूनिवर्सिटी गेटवे के थ्रू पे कर सकते हैं। 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के लिए आपको डेट्स दी गई हैं इसके लिए। उसके बाद अपना जो भी आपने फ़ी पे की है उसका एक स्टेटस आएगा, उसको प्रिंट करने के लिए आपको डेट दी गई है 6 अक्टूबर टू 12 अक्टूबर। इसमें आप एक तो अपने फ़ी पेमेंट स्टेटस पेज का प्रिंट आउट ले सकते हैं, अपने अलॉटमेंट लेटर का डाउनलोड कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो एडमिशन से रिलेटेड एंड ज्वाइनिंग से रिलेटेड जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं अलॉटेड कॉलेज में जो होंगी वो सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे 6 टू 12 अक्टूबर अप टू 3 PM तक। इसके बाद कॉलेज अपना फाइनल स्टेटस सेंड करेगा कि उसके पास कितनी सीट्स वैकेंट हैं और कितनी फिल हो गई। तो ये होगा 12 अक्टूबर को अप टू 4 PM तक कॉलेज को अपना स्टेटस अपडेट करना। पूरा शेड्यूल था जो कि मैंने आपको बताया। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।